नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज, क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया ए एंड बी। कह रहा है ए का वैल्यू हम लोग दिया गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी का वैल्यू दिया गया एक्स वाई क्यूब। कर देन फाइंड एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज, ऑप्शन ए में करा कि एक्स वाई, ऑप्शन बी में करा एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी में करा एक्स क्यूब वाई क्यूब, ऑप्शन डी में करा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन, गिवन ए है यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी क्या है, बी है एक्स वाई क्यूब। अब दोस्तों देखिए एच सी एफ निकालना ए एंड बी का, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो एच सी एफ मतलब क्या होता है, जो दोनों में हम लोग कौन मिलेगा, यहाँ पे दो नंबर दिया गया ए एंड बी, तो यहाँ पे दोनों में कौन मिलेगा, थ्री नंबर दिया था, थ्री में तीनों में कॉमन जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एच सी एफ बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसको सिंपली ऐसे लिख लीजिए, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख लीजिए इंटू वाई स्क्वायर है तो ये वाई इंटू वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग एक्स वाई क्यूब कैसे लिखें, एक्स इंटू ये वाई इंटू वाई इंटू वाई हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों में हम लोग क्या मिल रहा है, देखिए एक्स मिल रहा है तो एक यहाँ पे एक्स लिख लीजिए इनटू, देखिए वाई है यहाँ पे तो वाई भी मिल रहा है तो एक वाई आ गया। फिर यहाँ पे देखिए एक वाई यहाँ भी है और एक वाई यहाँ भी है तो वाई आ गया, और तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। देखिए जो जो कॉमन मिला उसको लिख लिया, यहाँ पे एक्स और एक्स मैच कर रहा है, वाई और वाई मैच कर रहा है, वाई और वाई मैच कर रहा है, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी, तो बी को टिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए ऑप्शन बी, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को एच सी एफ निकालना आ गया हो, कैसे एच सी एफ निकालते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ़ वन जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ़ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, क्या है दोस्तों कि ये जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स दिया गया है उसका एक जीरोज कितना दिया गया, माइनस थ्री दिया गया। तो कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऑप्शन ए में कह रहा है फोर अपॉइंट थ्री, ऑप्शन बी में कह रहा है माइनस फोर अपॉइंट थ्री, ऑप्शन सी में कह टू अपॉइंट थ्री, ऑप्शन डी में कह रहा है माइनस टू अपॉइंट थ्री। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पॉलीनोमियल्स जो है हम लोग को एक्स के टर्म में है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू के माइनस वन का के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, इसको हमें क्या लेट कर लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि माइनस थ्री जो है इसका क्या है, जीरोज है, तो माइनस थ्री इसका जीरोज है, इसका मतलब कि एक्स के जगह पे माइनस थ्री दोनों पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाना चाहिए, जीरो की इक्वल आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस माइनस थ्री इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल्स देयरफॉर पी ऑफ माइनस थ्री इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पी ऑफ माइनस थ्री मतलब क्या है, एक्स के जगह माइनस थ्री से पुट कर दीजिए तो हो जाएगा के माइनस थ्री इंटू ये हो जाएगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या किया दोस्तों, एक्स के जगह हम माइनस थ्री से पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, देखिए के माइनस वन इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस थ्री के ये प्लस वन इक्वल टू जीरो। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन से इसको मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा नाइन के माइनस नाइन, देखिए नाइन के ये माइनस नाइन और ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इससे आगे दोस्तों देखिए तो ये हो जाएगा नाइन के, नाइन के माइनस थ्री के जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स के और ये हो जाएगा माइनस नाइन, ये हो जाएगा प्लस वन, तो वन माइनस नाइन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा सिक्स के इक्वल टू माइनस एट को राइट साइड में ले जाए तो प्लस एट हो जाएगा, तो यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे तो एट अपॉन में सिक्स चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि के साथ मल्टीप्लाई में है ये टू थ्री जा और ये हो जाएगा टू फोर जा।
दोस्तों के का वैल्यू कितना आ गया 4/3, के का वैल्यू आ गया 4/3। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 4/3, तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही है, और यहाँ पर लिख लीजिए ऑप्शन ए। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 उन्होंने कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x+2y+5=0 और सेकेंड दिया गया -3x-6y+1=0 हैज। फर्स्ट में कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकेंड में कह रहा है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होगा, थर्ड में कह रहा है इनफाइनेटली सॉल्यूशन होगा, एंड फोर्थ में कह रहा है नो सॉल्यूशन होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। तो गिवन इक्वेशंस में है पहला है x+2y+5=0, इसको इक्वेशन वन लेट कर लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए x का ऑप्शन नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो a1 क्या होता है, x का जो कोफिशेंट होता है, यानी कि a हो गया 1 हो गया। b1 क्या है, y कोफिशेंट कितना है 2, और c1 क्या हो गया कॉन्स्टेंट यानी कि 5। यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। एंड सेकेंड इक्वेशन है -3x-6y+1=0। तो यहाँ से हम लोग को a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a2 का वैल्यू कितना है -3। a2 क्या होता है, जो सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशेंट होता है। b2 होता है जो सेकेंड इक्वेशन का y कोफिशेंट होता है -6, और c क्या हो गया कॉन्स्टेंट यानी कि 1। यहाँ से दोस्तों देखिए हम लोग किसका किसका वैल्यू मिल गया, a1 b1 c1 का, a2 b2 c2 का। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिखेंगे देयरफोर a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे c1/c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे, तो a1 का वैल्यू कितना है 1, और a2 का वैल्यू कितना है -3। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। b1/b2 निकालेंगे, देखिए b1 का वैल्यू कितना है 2, अब b2 का वैल्यू कितना -6, कैंसिल कीजिए 2 1 जा 2 3 जा। तो माइनस में ऊपर शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना -1/3 हो जाएगा। c1/c2 का वैल्यू कितना है, देखिए c1 का वैल्यू है 5, और यहाँ दोस्तों c2 होगा। देखिए यहाँ पे a2 b2 c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है। तो यानी कि c1/c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि a1/a2 का वैल्यू हो गया -1/3, b1/b2 का वैल्यू हो गया -1/3, एंड c1/c2 का वैल्यू हो गया 5। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि a1/a2 का वैल्यू कितना है -1/3, अब b1/b2 कितना है -1/3। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। देखिए -1/3 यहाँ भी है, -1/3 यहाँ भी है, लेकिन ये जो c1/c2 का जो वैल्यू है, देखिए c1/c2 का वैल्यू क्या है 5 है। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इससे हम लोग क्या कंक्लूजन मिलता है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर देखिए a1/a2 का वैल्यू कितना -1/3, b1/b2 का वैल्यू कितना -1/3। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आपस में इक्वल लिखे हैं। लेकिन c1/c2 तो इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये -1/3 और ये 5 है, तो ये नॉट इक्वल हुआ। तो ये कंडीशन दोस्तों किसके लिए होता है, याद रखिएगा कि ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कीजिए। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जब कभी ऐसा कंडीशन आप लोगों को नजर आएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, समझ जाएगा कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, नो होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x-y + 8=0 एंड 6x-ky = -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, के किस वैल्यू के लिए कह रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है सो कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए में है
1/2, ऑप्शन बी है -1/2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -2। दोस्तों देखिए कोइंसिडेंट लाइन मतलब हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जैसे एक लाइन ये है, इसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या करेगा, लाई करेगा, उसको क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारा पॉइंट सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन, लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है बताइए। पहला इक्वेशन है हम लोग को 3x - y + 8 = 0। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल। a1 क्या होता है, जो पहला इक्वेशन है, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में जो है x का जो कॉफिशेंट है वो a1 होता है, 3 हो गया। पहला इक्वेशन में जो y का जो कॉफिशेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, ये हो जाएगा -1। और c1 क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट रहा था वो होता है c1 हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए, यह है 6x - ky = -16। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू में है, तो पर लेफ्ट में लाएंगे, तो जगह 6x - ky + 16 = 0। a1 b1 c1 या a2 b2 c2 का वैल्यू निकालने के लिए राइट साइड में क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो -16 था, इसको पहले लेफ्ट में ले आए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए a2 का वैल्यू कितना हो जाए, a2 क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट यानी कि 6। b2 क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन का y कोएफिशिएंट यानी कि -k। और c2 कितना हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन का कॉन्स्टेंट। अब दोस्तों देखिए इससे आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो कोइंसिडेंट लाइन होता है वही क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। तो लिखेंगे फॉर कोइंसिडेंट लाइन, या इसको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। ये तीनों आपस में क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग बारी बारी से इसका वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से हम लोग k का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, इससे आगे देखिए यहाँ पे लिखें a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो a1 का वैल्यू था 3, a2 का वैल्यू था 6, इसे पुट कर दिए हैं। b1 का वैल्यू था -1, b2 का वैल्यू कितना था -k, c1 का वैल्यू 8 और c2 का वैल्यू 16। ये दोस्तों पिछला पेज हम लोग नोट किए यहाँ पे, देखिए 1 2, तो इसको 1 2 तो लेट ही किए थे, तो ये समझिए कि ये 3 है समझने के लिए, और ये 4 है और ये 5। आप यहाँ पे किसी से कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ से भी कंपेयर करेंगे करिएगा तो यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, फोर्थ फिफ्थ से भी कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, यह 3/6 = -1/-k। तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल किया 3 1 या 3 2 हो जाती है, हो जाएगा 1/2 = 1/k। इसको क्रॉस कर लीजिए यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k = हो जाएगा 2। ये ऑप्शन दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट पेज में दोस्तों, प्रीवियस पेज में आप लोग ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ़ x = a and y = b इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x - y = 2 and x + y = 4। क्या कह रहा है दोस्तों, x = a और y = b जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, वो कह रहा है कि x = a है और y = क्या है, b है। तो कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो a and b क्या होगा, ऑप्शन ए में करा 3 and 5, ऑप्शन बी में करा 5 and 3, ऑप्शन सी में करा 3 and 1, ऑप्शन डी में करा -1 and -3। तो पहले हम लोग क्या करें, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो वैल्यू हो जाएगा a का, और y का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हो जाएगा b का। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन है x - y = 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही गया। कैसे समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax + by = क्या होता है, सी होता है। तो इक्वल टू के लेफ्ट में क्या होता है, एक्स एंड वाई वाला टर्म रहता है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट में एक्स एंड वाई वाला टर्म है, तो इक्वेशन 1 हो गया। नहीं दिया रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले दोस्तों हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा एक्स एंड वाई वाला ही टर्म रहना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन दिया गया x + y = 4 दिया, ये इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा।
देखिए y निगेटिव है और ये y पॉजिटिव है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ देखिए 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन में 2, तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो इक्वेशन 1 है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x का वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, इसको लेफ्ट में ले आइए तो ये हो जाएगा 3, प्लस 2 को लेफ्ट में आया था माइनस 2 इक्वल टू माइनस वाई को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा वाई, तो आप लिख लीजिए देयरफॉर, इसको सीधा करके लिख लीजिए वाई इक्वल टू 1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। अब दोस्तों देखिए x किसके इक्वल है, x इक्वल टू है a, तो x का जगह पे यहाँ पुट कर दीजिए, x है a, तो यानी कि a इक्वल टू क्या हो गया 3, एंड y किसके इक्वल है, देखिए y किसके इक्वल है, y है b के इक्वल, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1। आंसर क्या है, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1। अब दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, बताइए a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1 ऑप्शन सी है सही, सी को टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।